नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश में 2019 से पुनः शुरू की गई है और योजना के तहत जो है नए बदलाव के साथ अधिकतम 5 लाख रुपए तक का व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकेगा और ऋण पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जो है शहरों में जाने से जो है अपने रोक सकें, उनके पलायन को रोका जा सके और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि किया जा सके। और योजना के तहत ऋण प्राप्त करने पर कौशल विकास से उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण, मार्केटिंग एवं माल के संरक्षण जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के माध्यम से भी रोजगार को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना में जो है किस उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी जाति वर्ग के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के लिए आयु की सीमा 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से आय जो है 2 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और योजना के तहत ऋण पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय शुरू करने में रुचि होना आवश्यक है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को लोन के लिए चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके तहत जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए व्यक्तियों को भी ऋण के लिए चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार ऋण योजना, मुद्रा लोन योजना आदि के अंतर्गत जो है बैंक लोन का लाभ पहले प्राप्त कर चुके लाभार्थी इस योजना में के अंतर्गत जो है लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। और योजना के तहत आवेदन फॉर्म के साथ जो है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और विधवा परित्यक्ता होने की दशा में पति की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र और या फिर तलाक से संबंधित है तो तलाक से संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे। और आधार कार्ड नंबर से लिंक बैंक खाते के पहले पेज की फोटो कॉपी बैंक अकाउंट विवरण के लिए देना और लगाना होगा और आयु प्रमाण पत्र और संबंधित व्यवसाय के प्रोजेक्ट की फोटो कॉपी और आवेदक के वर्तमान की पासपोर्ट साइज फोटो जो है इन सारी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आवेदन फॉर्म के साथ सबमिट करना आवश्यक होगा। और लोन पर अनुदान के लिए जो है व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित परियोजना के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये बैंक ऋण पर अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा। और सेवा एवं उद्योग क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र में जो है परियोजना शुरू करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बैंक ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित ऋण पर जो है 35% अथवा अधिकतम रुपए 70,000 की सब्सिडी प्राप्त होगी। और सामान्य लाभार्थियों को वितरित ऋण पर 25% अथवा अधिकतम 50,000 की सब्सिडी प्राप्त होगी। और योजना के अंतर्गत समान लाभार्थियों द्वारा यदि 2.5 लाख से ऊपर का ऋण प्राप्त लिया जाता है तो ऋण पर आपको 7.5% मार्जिन मनी बैंक को जमा करना होगा बैंक के पास। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों द्वारा यदि 2.5 लाख से अधिक ऋण लिया जाता है बैंक ऋण परियोजना के लिए तो ऋण पर 5% मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होगी। और योजना में आवेदन के लिए जो है ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है, तो जब तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तब तक आप जो है आवेदन के अपने संबंधित गांव, जिस भी गांव में रहते हैं उसके ग्राम विकास विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेकर और भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने के बाद उसी कार्यालय में जमा करना होगा। और यदि इसके अतिरिक्त फॉर्म आप भर कर घर से भी पंजीकृत डाक के द्वारा वहाँ ग्राम विकास विभाग कार्यालय में भेज सकते हैं अपने गांव के। और योजना का
जो है आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पावती रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा, और रसीद पर आवेदन पावती जारीकर्ता अधिकारी का नाम, आवेदन संख्या, पद एवं दिनांक का मोहर लगा होना आवश्यक है। और योजना में चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी, और योजना में चयन होने पर सूचना आवेदक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी, और इसके अतिरिक्त संबंधित ग्राम विकास विभाग कार्यालय से भी पता लगाया जा सकेगा। और लोन सैंक्शन होने के बाद जो है लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे डीबीटी ट्रांस की विधि से जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लोन का अमाउंट। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच